एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष व छात्र नेता मनीष ओझा ने कांग्रेस पार्टी पर दलाली का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मनीष ओझा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से 7 अक्टूबर 2018 से 26 दिसंबर 2020 तक जुड़ा हुआ था, जिसमें मुझे एनएसयूआई गोरखपुर का जिलाध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन षड्यंत्र के तहत 8 माह के अंदर मुझे जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिसके बाद भी मैंने कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस में दलालों को तवज्जो दिया जाएगा और कार्य करने वालों की अनदेखी की जाएगी, तब तक कांग्रेस कभी भी उभर नहीं पाएगी। उन्होंने पार्टी को दलालों की पार्टी बताते हुए अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेसी नेता मनीष ओझा ने कहा, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, 135 वर्ष पुरानी पार्टी, जो चंद दलालों के दम पर चल रही है, हमारी एक जैसे कहूँ कि युवाओं की अपेक्षा हो रही है कांग्रेस पार्टी में, इस वजह से आज मुझे मजबूरन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। हम अब तक कांग्रेस में 3.5 साल तक काम किए निरंतर, जिसमें 8 महीने तक जिलाध्यक्ष के पद पर एनएसवाई में कार्यरत थे, और हर एक कांग्रेस के छोटे बड़े हर एक कार्यक्रमों में हम लोग अटेंड किया गया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। जो भी हम लोग के बस में था सब कुछ किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व से जितना भी कार्यक्रम आता था, हम लोग का अथक प्रयास यही रहता था कि सब भाइयों द्वारा कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाए, कांग्रेस का झंडा बुलंद किया जाए। लेकिन कांग्रेस का झंडा बुलंद तो हम लोग किया गया, लेकिन हम लोग का जो कार्य करने की जो शैली थी उसकी उपेक्षा की गई, युवाओं की को तवज्जो नहीं दिया गया, केवल दलालों पे काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, दलालों को तवज्जो दे रही है, हम लोग के कार्यों की अनदेखी की जा रही है बार बार। 3.5 साल तक आपको नहीं लगा कि दलालों की पार्टी है? नहीं, 3.5 वर्षों तक हम काम किए, लेकिन 8 महीने तक मैं जब हर एक जिलाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्षों तक कम से कम होता है, लेकिन 8 माह के अंदर ही षड्यंत्र के तहत उसको हटा दिया गया। तब भी मैं अनदेखी किया, कहा कि हमारा दिल साफ है कांग्रेस के प्रति, ना कि हमको पद की चाह थी। तब भी मैं 2.5 वर्षों तक उस पर कार्य किया, कांग्रेस का एक साधारण सा कार्यकर्ता बन के कार्य किया, लेकिन अनदेखी तब हुई जब 25 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस की एक लिस्ट आई है, जिसमें 3-4 दिन से आए हुए लोगों को तवज्जो दिया गया है, और उसमें ऐसे व्यक्ति को तवज्जो दिया गया जिसको राजनीति पाठशाला में भी पठन पाठन का कार्य करने की आवश्यकता है, अभी वो उसको राजनीति का सूझबूझ नहीं है, उस व्यक्ति को पद पे आसीन किया गया है। पार्टी में रहते हुए आपने काफ़ी आंदोलन किए हैं, छात्रों के लिए किए हैं, विश्वविद्यालय के लिए किए हैं, तो क्या नई पार्टी बनाने का इरादा है या किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा? नई पार्टी बनाने का इरादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टी का दामन थामूंगा जरूर, क्योंकि और उस पार्टी का दामन थामूंगा जिसमें युवाओं के रोजगार की, युवाओं के शिक्षा की और समाज के कल्याण की बात जो पार्टी करती है, जो युवाओं को तवज्जो देगी, उस पार्टी का दामन थामा जाएगा। 2022 का चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा का चुनाव 2022, इसको लेकर क्या रणनीति? जिस भी पार्टी का दामन थामूंगा, यह विश्वास है कि हमारे जो युवा साथी हैं वो पूरी तरीके से अपना तन मन धन के साथ पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे, और जिस भी पार्टी का दामन थामा जाएगा उसको 2022 के चुनाव में विजय दिलाने की पूरे प्रयास किया जाएगा। फिलहाल अभी आपका संघर्ष जारी रहेगा? अभी तो फिलहाल संघर्ष जारी रहेगा, अभी इस पे कोई मैं कह नहीं सकता हूँ कि किस पार्टी का दामन थामूंगा।